हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का अध्ययन करेंगे। थॉमस, तुम यहाँ दर्जी की दुकान पर क्या कर रहे हो? माँ के पास एक लंब वृत्तीय बेलन आकार का डिब्बा है। वो उस डिब्बे को ढकने के लिए एक कवर सिलना चाहती है। उन्होंने मुझे उस डिब्बे का कवर सिलने के लिए कपड़ा खरीद कर लाने को कहा है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे किस नाप का कपड़ा खरीदना चाहिए। थॉमस, इसका उत्तर तुम्हें गणित के द्वारा मिल सकता है। इसका मतलब ये गणित का समय है। थॉमस, तुम्हारे डिब्बे को पूरी तरह ढकने के लिए आवश्यक कपड़े का नाप ढूंढने के लिए इस बेलनाकार डिब्बे की सभी फलकों के क्षेत्रफलों का योग ढूंढना होगा। कल्पना करो कि हम इस बेलन को इस तरह से काटें और खोल कर समतल कर लें, तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। जैसे कि तुम देख सकते हो, वृत्ताकार आधार की त्रिज्या R है, आयताकार पट्टी की लंबाई L और चौड़ाई H है, जो बेलन की ऊंचाई के बराबर है। और तुम्हें तो पता ही है कि बेलन के शीर्ष और तल के दोनों वृत्त सर्वांग सम होते हैं, इसलिए शीर्ष के वृत्त की त्रिज्या भी R ही होगी। मानस, देखो, इस समतल बेलन आकार की इस आयताकार पट्टी को यदि हम इस तरह से मोड़ें, तो पाएंगे कि इस आयताकार पट्टी की लंबाई बेलन के शीर्ष और तल के वृत्तों के परिधियों के बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस आयताकार पट्टी की लंबाई 2πr के बराबर है। और देखो थॉमस, अब यदि हम इस आयताकार पट्टी तथा इन शीर्ष और तल के वृत्त के क्षेत्रफलों का योग कर दें, तो हमें तुम्हारे कपड़े का नाप मिल जाएगा। लेकिन मानस, किसी भी त्रिमीय आकार के सभी पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योग तो उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है ना? इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे बेलनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया इन सभी पृष्ठों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा थॉमस। बेलन के तल और शीर्ष सर्वांग सम वृत्त हैं और दोनों की त्रिज्या आर है। इसका मतलब इनके क्षेत्रफल पाई आर वर्ग होंगे और इस आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, जिसे हम 2πr×h या 2πrh लिखेंगे। अब इसे हम और भी सरल तरह से इस तरह लिख सकते हैं। देखो थॉमस, हमें बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया का सूत्र 2πr×r तथा h का योग मिल गया, जहां r बेलन के शीर्ष और तल की त्रिज्या और h बेलन की ऊंचाई है। और देखो मानस, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया तो इस आयताकार पट्टी के क्षेत्रफल के बराबर ही होगा। और क्योंकि बेलन की ये सतह वक्राकार है, इसे हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। इसका मतलब बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πrh है। वाह मानस, हमें बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र मिल गया। अब चलो हम ये सूत्र इस्तेमाल करके कपड़े का क्षेत्रफल ढूंढ लेते हैं। मेरी माँ के डिब्बे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। देखो मानस, मुझे 1188 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का कपड़ा खरीदना होगा। हाँ,
हाँ थॉमस। अच्छा अगर तुम एक 12 सेंटीमीटर चौड़ाई का आयताकार कपड़ा खरीदोगे तो जल्दी बताओ कि तुम्हें कितना लंबा कपड़ा खरीदना होगा। आयताकार कपड़े का क्षेत्रफल 1188 वर्ग सेंटीमीटर है और कपड़े की चौड़ाई अगर 12 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई होगी 1188/12 बराबर 99 सेंटीमीटर। मुझे 99 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा खरीदना होगा। बिल्कुल ठीक थॉमस। देखो थॉमस, आज हमने बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र सीखे। चलो मैं इन्हें जल्दी से अपनी गणित की सूत्र पुस्तिका में लिख लेता हूँ। चलो अब हम जल्दी से अपनी दुनिया में लौट चलें। मुझे दर्जी की दुकान से कपड़ा भी खरीदना है। माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। थॉमस ने दर्जी से 12 सेंटीमीटर की चौड़ाई वाला 99 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा खरीद लिया और दोनों दोस्त अपने अपने घर लौट गए। इस वीडियो में आज हमने बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।